हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और मैं नम्रता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। उसके मेरे सर्टेन रीज़न है, तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ। हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने टाइटल पढ़ा ही होगा कि मेरी वीडियो का टाइटल है महाभारत टिकटॉक और यूट्यूब के बीच। जी हाँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल ये मुद्दा काफ़ी वायरल हो रहा है कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, इट्स लाइक ट्रेंडिंग एवरीवेयर एंड इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। और चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऐप हो, मेरे कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने भी और कुछ मेरे जानने वाले लोगों ने भी मुझसे कहा कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो मैं उसको लेकर आपके सामने आई हूँ आज। और वैसे मैं इस टॉपिक पर एक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पर एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। जो आज का वीडियो है कि ये जो टॉपिक है, ये जो टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आखिर माजरा क्या है, आखिर ये पूरा केस क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इसको वैल्यू दिया जा रहा है और क्यों ये हर जगह ट्रेंड कर रहा है। तो ये जो पूरी शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी एल्विश यादव, जो एक यूट्यूबर हैं, उनके एक वीडियो से, जिसमें उन्होंने टिकटॉकर्स को रोस्ट किया था। वो टिकटॉकर्स को रोस्ट करते थे एंड उन्हीं के जवाब में एक फेमस टिकटॉकर आमिर सिद्दीकी ने उनको जवाब दिया था, एक वीडियो अपलोड किया था उन्होंने अपने IGTV पर, और उस पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो यूट्यूबर्स हैं वो टिकटॉकर्स के कंटेंट को कॉपी करते हैं और उसी से फेमस होते हैं, तो जिससे कि काफ़ी जो यूट्यूबर्स के फैंस थे वो ऑफेंड हो गए। कॉस्टली जो यूट्यूबर्स के फैंस हैं वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ के खिलाफ बोला एंड फिर यूट्यूबर्स ने भी एक एक करके उस पर अपनी राय देना शुरू किया। और इस जो पूरा केस है, उसने एक नया मोड़ तब लिया जब कैरी मिनाटी की YouTube वर्सेस TikTok दी एंड आई, दैट वीडियो हैज़ गोन वायरल ओवरनाइट। लाइक वो वीडियो इतनी वायरल हुई एंड उसके बाद हैशटैग YouTube वर्सेस TikTok हर जगह वायरल हो गया, हर जगह ट्रेंड करने लग गया ये हैशटैग। एवरीवन वाज लाइक इट वाज लाइक अ वॉर बिटवीन TikTok एंड YouTube। एंड उसके बाद जब ये चीज़ें चल ही रही थी, कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट कर दिया गया उनके अकाउंट से विदाउट एनी सही रीज़न, आई मस्ट से, क्योंकि कैरी मिनाटी हैं वो अपनी हर वीडियो में उसी तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो उन्होंने उस पर्टिकुलर वीडियो में की थी। बट वो वीडियो डिलीट कर दिया गया, वो भी जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब था। सो ऑफकोर्स ही उस पर काफ़ी रिपोर्ट गए थे, ऐसा बहुत सी चीज़ें सुनने में आई है। रियल रीज़न किसी को नहीं मालूम कि क्या है रियल रीज़न, जो भी हो उसको एक साइबर बुलिंग की तरह भी लिया जा रहा है। काफ़ी यूट्यूबर्स का उनको सपोर्ट है, काफ़ी उनके फैंस का उनको सपोर्ट है। एंड उसके बाद जैसे ही उनका ये वीडियो डिलीट हुआ, उसके बाद वी सपोर्ट कैरी एंड जस्टिस फॉर कैरी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लग गया। उसके बाद जो है हर्ष बेनीवाल का उनके लिए एक वीडियो आया उनके सपोर्ट में, जिसका टाइटल था कि अब रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा। एंड उन्होंने उसको काफ़ी ही संभाल कर उन्होंने उस वीडियो को बनाया और उन्होंने फिर वो हैशटैग, जो पर्टिकुलर हैशटैग है कि रोस्ट नहीं फ्राई करूंगा, वो काफ़ी वायरल होने लग गया। तो जो एक तरीके से जो वॉर चल रहा था ना, ये जो महाभारत पूरा चल रहा था यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के बीच में, उसको पूरा एक तरीके से घी आग में घी डाले जा रहे थे कोई ना कोई, और ये सब हो रहा था। देन उसके बाद जो वीडियो आया कैरी मिनाटी का, फिर से उन्होंने एक अपना वीडियो अपलोड किया जिसमें वो काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे थे और उसमें ऑफकोर्सली वो ज़्यादा अपना पेन जाहिर कर रहे थे। उसके बाद उनके फैंस का सपोर्ट उनके लिए काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि उनके फैंस अपने एक तरीके से अपने हीरो को इमोशनल देख के काफ़ी इमोशनल हो गए एंड काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया वी सपोर्ट कैरी करके। उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा शांत होने लग गया, फिर इस केस में हुई पुलिस की एंट्री। और पुलिस की एंट्री कैसे हुई, क्योंकि एक टिकटॉकर हैं जो कि वो भी काफ़ी फेमस हैं, उनका नाम है फैजल सिद्दीकी,
एंड उन्होंने अपने अकाउंट से ऐसे अटैक्स को सपोर्ट किया, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई, जिसपे पुलिस उनके खिलाफ, रेखा शर्मा जी ने, NCW के आई थिंक वो चेयरमैन चेयरपर्सन है, उन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई। एंड इस तरीके से उसमें जो ये पूरा केस चल रहा था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के खिलाफ, उसमें उनकी एंट्री हुई पुलिस की, और उसके जो फैजल सिद्दीकी है उसका जो अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट किया गया है। इससे पहले भी फैजल शेख का अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया जा चुका है, उनका अकाउंट भी बैन किया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर कोई वीडियो बनाई थी, आई डोंट नो अबाउट इट। सो यस, उनके अकाउंट को भी पहले किया जा चुका है बैन। एंड इसके बाद अब #BanTikTokIndia काफ़ी ट्रेंड कर रहा है हर जगह। आपने देखा भी होगा इस चीज़ के बाद से 4.5, जो ये पर्टिकुलर पूरा टाइम चला है पीरियड में, 4.5 से जो रेटिंग थी टिकटॉक की अब 1.3 के करीब आ गई है। सो यस, बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हुआ है। तो लोग काफ़ी इसके बारे में सोच रहे हैं कि रेटिंग इतनी कम होने के बाद क्या टिकटॉक बैन हो जाएगा। सो मैं आप सबको बता दूं, जो मैंने अपनी तरफ से जो रिसर्च किया है, जो मैंने जाना है कि किसी भी ऐप की अगर रेटिंग कम होती है तो उसको बैन नहीं किया जाता, वो टॉप ट्रेंडिंग्स में फिर भी दिखाया जाता है प्ले स्टोर में। अगर आप चाहते हैं कि वो बैन किया जाए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर अपना फीडबैक दें, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग कि जब भी आपको टिकटॉक पे, अगर आप टिकटॉक यूज करते हैं, चाहे उसके आप खिलाफ हो टिकटॉक के या अगेंस्ट हो, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी आपको लगे कि टिकटॉक पे कोई फेक न्यूज फैला रहा है, कोई वायलेंस किसी तरह की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्स के अकॉर्डिंग, चाहे वो एनिमल्स के खिलाफ हो, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो, अगर आपको लगता है कि वो वीडियो गलत है, वो गलत मैसेज स्प्रेड कर रही है, तो प्लीज़ उस वीडियो को तभी के तभी रिपोर्ट कीजिए। जिसने भी वो वीडियो बनाया है उसके अकाउंट को रिपोर्ट कीजिए। साथ में आप ट्वीट भी कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक करके, और साथ में आप उसमें रेखा शर्मा जी को भी टैग कर सकते हैं, क्योंकि वो केस लड़ रही हैं इसके खिलाफ। एंड साथ में आप उसमें लिख सकते हैं #BanTikTokIndia। ये जो पूरा माजरा है इस तरीके का है। बाकी अभी टिकटॉक बैन होगा या नहीं होगा इंडिया में, ये अभी हमें आने वाले समय में पता चलेगा, जब ये पूरा केस सामने आएगा और लड़ा जाएगा, तभी हमें इसका फैसला समझ में आएगा, मतलब पता चलेगा कि आखिर ये जो मोड़ है वो कहाँ लेके जाएगा, कि टिकटॉक बैन होगा या नहीं होगा। वैसे एक बार प्ले स्टोर से तो डिलीट हो चुका है, तो आई थिंक दोबारा होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है। देखते हैं कि क्या होगा। उम्मीद है कि आप सबको पूरी जानकारी मिल गई हो इस केस के रिलेटेड। मेरी पूरी कोशिश रही है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है कि टिकटॉक बैन होना चाहिए या ना नहीं होना चाहिए। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने ना किया हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।